हेलो फ्रेंड्स, नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2018 की ओर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज है इस फेस्टिवल का आखिरी दिन। जी हां, आज फेस्टिवल की शाम को समाप्ति होगी और आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी से अवार्ड जीतने वाली फिल्म ऑन बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज़। फिल्म चलो जीते हैं और फिल्म के डायरेक्टर हैं मंगेश हदात्मे। फिल्म स्वामी विवेकानंद के कथन पर आधारित है जिसके अनुसार वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जी हाँ, विवेकानंद ने कहा था, जीते वही हैं जो औरों के लिए जीते हैं। और ये बात एक नन्ना बच्चा नरेंद्र, जो इस फिल्म का केंद्र बिंदु है, उसने जब अपनी किताब में पढ़ी तो उसके मानस पटल पर ये एकदम छप गई कि इसका अर्थ क्या है, स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा। अपने माता पिता, अध्यापक, जहाँ उसके पिता की एक चाय की स्टॉल है रेलवे स्टेशन, वहाँ के वर्कर्स, सभी से उसका यही सवाल रहता है कि आप किसके लिए जी रहे हैं। कुछ लोगों से तो उसे उत्तर मिलता है, लेकिन काफ़ी लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या उत्तर दें। नरेंद्र इस बात को लेकर काफ़ी सोच विचार में रहता है कि आखिर हम किसके लिए जी रहे हैं। साथ ही उसकी एक और कहानी चल रही है कि जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर एक गरीब बच्चा पढ़ने नहीं आ पाता क्योंकि उसकी माँ सफाई कर्मचारी हैं सड़क पे, और इधर उधर रेलवे स्टेशन के संडास साफ करती हैं, लेकिन वो अपने उस बच्चे को पढ़ा नहीं पाती गरीबी के कारण। तो नरेंद्र के मन में यही बात रहती है कि ये पढ़ क्यों नहीं पाता, इसकी कोई मदद क्यों नहीं करता। फिल्म में नरेंद्र के पिता का नाम दामोदर दिखाया है। नरेंद्र की माँ दूसरों के घरों में जाके चूल्हा चौका करती हैं, बर्तन साफ करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म किसके बचपन पर आधारित है। जी हाँ, फिल्म में ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन ये स्पष्ट था कि फिल्म हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जीवन पर आधारित थी, उनके बचपन पर आधारित। और बहुत ज़्यादा लंबी फिल्म नहीं है, करीबन 22 मिनट के आसपास की फिल्म थी। और उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से ये दिखाया कि यदि किसी की दूसरे की मदद करने की इच्छा हो तो वो ज़रूर कर सकता है। और ऐसा ही वो बच्चा नरेंद्र करता है। उस दूसरे बच्चे को स्कूल में वापस लाने के लिए वो एक नाटक का मंचन करता है, और उसके द्वारा वो कुछ पैसे जमा करके उस गरीब बच्चे के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था करता है, उसके स्कूल आने की व्यवस्था करता है। और फिल्म में सबसे अच्छी बात यह है कि दिल को बहुत छूती है, बताती है कि हाँ, सच में अपने लिए नहीं औरों के लिए जीने में क्या मज़ा है। स्वामी विवेकानंद का ये कथन पूरी तरह से इस फिल्म को सार्थक करता हुआ दिखाता है कि जो औरों के लिए जीते हैं वही जीते हैं। बहुत खूबसूरत फिल्म। नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2018 में इस फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया है ऑन बेस्ट फैमिली वैल्यूज़ के लिए, और फिल्म देखने लायक। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे ऑनलाइन मिलती है तो आपसे इसका लिंक शेयर करने की, और फिल्म देखिए, ज़रूर देखिए। चलो जीते हैं। थैंक यू।